क्वेश्चन नंबर 38। इस क्वेश्चन में अपन को ये टेबल दी रखी है, अपन को मीडियन, मीन और मोडल साइज, दैट मींस अपन को मोड निकालना है। तो अपन इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, या तो आप मीडियन, मोड और मीन डायरेक्ट वैसे निकाल रहे, टेबल बना के निकालते हैं, या फिर आपको जो दो आसान लगते हैं, सबसे आसान मीडियन और मोड, मेरे लिए सबसे आसान लगता है मीडियन और मोड निकालना, तो आप वो दोनों निकाल लो। फिर एंड में जो 3 मीडियन इक्वल्स टू 2 मीन प्लस मोड वाला फॉर्मूला होता है ना, उससे अपन मीन निकाल लेंगे। तो मैं ऐसे ही करूंगा, सबसे पहले अपन मीन निकालेंगे, मीडियन निकालेंगे सबसे पहले, उसके बाद अपन मॉड निकालेंगे और फिर अपन मीन निकालेंगे। मीडियन के लिए सबसे पहले क्या चाहिए होता है? क्लास इंटरवल जो हमें दिया हुआ है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी और उसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्लास इंटरवल क्या है? 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10, 10 से 13, 13 से 16 और 16 से लेके 19। फ्रीक्वेंसी 6, 30, 40, 16, 4 और 4। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? इसको ऐड करते हैं, मतलब पहली वाली तो एज इट इज, फिर 6 प्लस 30 हो जाएगा 36, 36 प्लस 40 हो जाएगा 76, 76 प्लस 16 हो जाएगा 82 और 10 कितना होता है 92, 92 और 4 हो जाएगा 96 और 96 प्लस 4 हो जाता है 100। तो ये आ गई अपनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब अपन को एक और बात पता है कि समेशन एफ आई जो होता है वही एन के बराबर होता है, और जो एन होता है या फिर समेशन एफ आई होता है वो लास्ट नंबर ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है। तो एन की वैल्यू आ गई 100। अब एन बाय 2 निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 100 बाय 2, दैट इज 50। 50 से जस्ट ऊपर वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 75। तो ये वाली क्लास हो जाएगी अपनी मीडियन क्लास। ठीक है, अब अपने पास सब कुछ है, मीडियन निकालने के लिए क्या क्या चाहिए होता है? सबसे पहले एल चाहिए होता है, तो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी एल हो जाएगी। एफ चाहिए होता है, ये हो गया एफ। सी चाहिए होता है, एन बाय 2 पहले से निकाल लिया। सी चाहिए होता है जो क्लास, जो मीडियन क्लास होती है उसके जस्ट सुपर वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है सी। और एच चाहिए होता है, एच कैसे निकालते हैं? जो हमारा मीडियन मीडियन क्लास है ना, उसकी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये आ जाएगा 3। सब कुछ आ गया, बस अपन को कैलकुलेट करना। तो मीडियन इज इक्वल्स टू एल प्लस एन बाय 2 माइनस सी अपॉन एफ इंटू एच। सारी वैल्यूज पुट करते हैं, 7 प्लस एन बाय 2 की वैल्यू 50 है, माइनस सी की वैल्यू 36 है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 40 है, इंटू 3। ठीक है, अब तो क्या सिर्फ कैलकुलेशन है, 7 प्लस यह आ जाएगा 14 अपॉन 40 इंटू 3। यहाँ से क्या आ जाएगा, जब अपन इस पूरे पार्ट को सॉल्व करेंगे ना, इतने इतने पार्ट को, तो अपनी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 प्लस 1.05। तो मीडियन की वैल्यू क्या आ गई? 8.05। अब अपन मॉड निकालेंगे। मॉड के लिए सबसे पहले देखना सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 40 है, तो यही अपनी मीडियन क्लास थी, यही अपनी मॉड्यूलस क्लास आ गई। ये एक कोइंसिडेंट है, अलग अलग भी हो सकती है। ठीक है, तो जो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है, सॉरी जो मॉड्यूल क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है, उसको अपन F1 नाम दे देते हैं, उसके ऊपर वाली को F0 नाम दे देते हैं, उससे नीचे वाली को F2 नाम दे देते हैं। ठीक है, बाकी सब अपने पास पहले से ही है। मॉड का फॉर्मूला क्या होता है? L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L की वैल्यू 7 है, प्लस F1 की वैल्यू क्या थी? F1 की वैल्यू 40 है, 40 ही है ना, हाँ 40 है। तो ये रहेगा 40 माइनस 30 अपॉन 40 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 80 माइनस 30 माइनस F2 की वैल्यू क्या है? 16 इंटू 3। कैलकुलेट करेंगे, 7 प्लस 10 अपॉन 46, 80 माइनस 46 कितना हो जाएगा? 80 माइनस 46 करेंगे तो 34 इंटू 3। इसको जब अपन पूरा सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 7 प्लस 30 अपॉन 34, दैट इज इक्वल्स टू 7 प्लस 0.88। अपने मॉड की वैल्यू क्या आ गई? 7.88। अब अपन को पता है 3 मीडियन इक्वल्स टू 2 मीन प्लस मॉड के बराबर होता है, तो यहाँ से मीन की क्या वैल्यू आ जाएगी? इधर उधर करके मीन की वैल्यू आ जाएगी 3 मीडियन माइनस मॉड अपॉन 2।
वैल्यूज पुट कर देते हैं, मीडियन की वैल्यू क्या थी 8.05, 3 इंटू 8.05 माइनस 7.88 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा अपना मीन। इसको कैलकुलेट करते हैं तो आंसर क्या आता है देखते हैं, 3 इंटू 8.05 तो हो जाएगा 24.15 माइनस 7.88 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा ऊपर वाला 16.27 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 8.13। तो ये आ गया अपना मीन, ये आ गया अपना मॉड और ये आ गया अपना मीडियन। तो अपनी सारी चीज़ें आ गई।